नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल GDS में। तो दोस्तों, इस डिपार्टमेंट की हर अंदर की खबर हो या बाहर की खबर हो मैंने आपको दी है और मैं देता आऊँगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों जो नया ट्रांसफ़र फैसिलिटी होगा और आपको प्रोसीजर क्या है, कहाँ अप्लाई करना है, ट्रांसफ़र कितने बार होगा, ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँगा। जैसे ही कमलेश चंद्र की रिपोर्ट आ जाती है तो ये नया लागू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि ये जो ट्रांसफ़र फैसिलिटी उन्होंने मानी है कि नहीं, ये जो मांग है ये सारे GDS की है और इसे कमलेश चंद्र जी ने अपने रिपोर्ट में शामिल किया था। तो अभी आपको पता है GDS एक बार ट्रांसफ़र ले सकता है अपने लाइफ टाइम में, और जो फीमेल GDS है दो बार ले सकती है। उसके लिए भी काफ़ी सारे कंडीशन होते हैं, या तो तबीयत जब ख़राब होती है या फिर अलग अलग कंडीशन है मैरिज से रिलेटेड। तो ये है पुराने GDS का जो प्रोसीजर था। तो हम नए ट्रांसफ़र फैसिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो जो GDS कमेटी रिपोर्ट में है। तो दोस्तों, आइए हम GDS कमेटी रिपोर्ट को खोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जो एग्जैक्ट कॉपी उन्होंने जमा की है फाइनेंस मिनिस्ट्री में और जो लागू होने वाले हैं वो हम खोलने वाले हैं अभी। आइए दोस्तों। तो दोस्तों, हमने वो पेज खोल लिया है और यहाँ पे हम आपको एक एक करके सारे पॉइंट समझाते हैं ट्रांसफ़र के। ये जो वीडियो है पुराने GDS प्लस जो नए GDS अभी भर्ती होने वाले हैं 2017 में, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस शुड बी 3। तो तीन बार जो मेल GDS है, ठीक है, जो पुरुष GDS है उनको उनके लिए तीन बार, और जो फीमेल है उनके लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है। ये जो नए जो हमारी जो रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है ये कि एक बार जो फीमेल्स है उनके लिए कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, वो कितने बार भी जितने बार वो चाहे वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। वहीं मेल के लिए इसको एक से बढ़ाकर तीन बार पूरे लाइफ टाइम में रखा गया है, यानी अब तीन बार उन्हें मिल सकता है अगर ये जो है मांग मान ली जाती है। तो दोस्तों, ट्रांसफ़र की जो और क्या प्रोसीजर होगा यहाँ पे आप बी पॉइंट में देख सकते हैं। द ट्रांसफ़र विल बी एट हिज और हर ओन रिक्वेस्ट, ठीक है, जो रिक्वेस्ट करेंगे वो होगा उनके अपने रिक्वेस्ट में होगा और अपने यहाँ पे कोस्ट पे होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ कंडीशन दी गई है मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, या फिर उसके जो क्या है शादी के बाद जो फीमेल है चेंज हो जाता है घर एड्रेस, ऐसे कुछ कंडीशन इसमें भी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब आपको पता है तीन बार मेल के लिए हो गया और अनलिमिटेड है फीमेल के लिए, पर आपको कहाँ जमा करना होगा आप जो ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन देंगे। तो दोस्तों, द ट्रांसफ़र ऑफ GDS आप सी में देख सकते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ GDS विल बी अप्रूव्ड बाय डिविजनल हेड इफ़ ट्रांसफ़र विद इन द डिवीजन। अगर डिवीजन के अंदर ट्रांसफ़र लेना है तो डिविजनल हेड को जाके यहाँ पे एप्लीकेशन लेटर देना होगा, और अगर रीजन के अंदर होना है तो रीजनल PMG पोस्ट मास्टर जनरल को देना होगा, और अगर सर्कल के अंदर होना है या सर्कल के अंदर होना है तो दोस्तों HOC यानी हेड ऑफ द सर्कल को देना होगा, और अगर किसी और सर्कल में होना है तो दो सर्कल की यहाँ पे सहमति, यानी आप जिस सर्कल में हैं और आप जिस दूसरे सर्कल में जा रहे हैं उन दोनों की सहमति से यहाँ पे साइन करके आपको अप्रूवल मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया। तो दोस्तों, अगर ये जो है आपको जो ट्रांसफ़र चाहिए इसके लिए दोस्तों, ये तो कंपलसरी है कि आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का पोस्ट खाली होना चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। सैलरी जो है दोस्तों BPM या ABPM की, तो वो दोस्तों वो कम भी सकती है इन कंडीशन में। यहाँ पे डी में आप देख सकते हैं 1, 2, 3 जो है यहाँ पे जो है सैलरी में कमी आ सकती है, क्योंकि अगर आप BPM है और आप दूसरे पोस्ट ऑफिस में जाके ABPM यानी कोई MDMC का काम करें तो सैलरी तो कम होगी। तो सेकंड कंडीशन ये है, अगर आप लेवल 2 में थे इस पोस्ट ऑफिस में, आप पर आप ट्रांसफ़र के बाद जब जहां जाते हैं वहां पे लेवल 1 का वेज स्केल चल रहा है तो आपकी सैलरी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से जो है कुछ पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स आपको जानने ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। तो दोस्तों, इस तरह की न्यूज़ मैं आपको बताता रहूँगा, जो अंदर की खबर है ये सारी चीज़ें आपको देता रहूँगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी।